ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? खैर खैरियत से? आज हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास सेल हम किस तरह इंसर्ट करेंगे यहाँ पे। तो सपोज़ यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम सपोज़ क्लिक करते हैं ऑनलाइन अकेडमी, यहाँ पे एक सेल इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। राइट साइड पर हमारे पास क्या होगा, सेल इंसर्ट होगा। ये देखें, ये राइट साइड पर हमारे पास एक सेल जो हमने यहाँ पे सिलेक्शन किया, यहाँ पे इंसर्ट हो गया, सही। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें इंसर्ट सेल पे जाके, तो डाउन पे हम क्लिक करते हैं, तो सेलेक्ट करते हैं, सपोज इसको हमने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे डाउन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास सेलेक्ट हो गया, ये देखिए डाउन, सही है। फिर उसके बाद हमारे पास इसको हम भी दोबारा सेलेक्ट करते हैं और लेके आते हैं दोबारा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सेलेक्ट सेल पे जाके डाउन कर दिया, इंटायर रो करते हैं, तो इंटायर रो हमारे पास आ गया, सही है, हो जाएगा सब हमारे पास। फिर उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आके इंसर्ट सेल इंटायर रो इंटायर कॉलम उसकी तरफ चला गया, सही है। फिर उसके बाद दोबारा हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाके, ये तो हो गया सेल इंसर्ट, इंसर्ट शीट रोज, इंसर्ट शीट रोज हमने क्या किया, इंसर्ट कर दिए, नीचे की तरफ आ गया, सही। इस तरह दोबारा फिर सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं कॉलम्स, ये कॉलम्स आ गए, सही है। फिर उसके बाद हम दोबारा जाके यहाँ पे, फिर उसके बाद इंसर्ट एक और शीट पे ऐड करते हैं, सही है, एक और शीट, तो ये यहाँ पे देखिए एक और शीट पर आ गई, सही। उस तरह से सेम टू सेम ये देखिए शीट टू आ गया, सही है। तो ये हमारे पास क्या है, दूसरा शीट टू आ गया, हमने शीट को इंसर्ट कर दिया अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे डिलीट पे आते हैं, तो डिलीट अगर हमने करने हैं, सपोज शीट वन पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं डिलीट करता हूँ सेल को, तो यहाँ पे आके डिलीट सेल, तो सेल या लेफ्ट साइड वाले करने हैं, अप करने हैं, रो करने हैं, इस तरह। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो लेफ़्ट साइड वाले डिलीट हो जाएगा, ये देखें लेफ्ट साइड वाला डिलीट हो गया, सही है। फिर उसके बाद हमारे पास डिलीट सेल करनी है, तो अप करनी है, अप वाला कर लो, तो अप वाला हो गया, सही है। फिर हाँ सही है, तो ये अप वाला डिलीट हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास फिर दोबारा मैं क्लिक करता हूँ डिलीट पे जाके सेल डिलीट, रो करता हूँ, तो देखो रो डिलीट हो गया, जहाँ पे हमने लिखाई की थी वो रो डिलीट हो गया, सही है। फिर उसके बाद हमारे पास डिलीट सेल पे क्लिक करता हूँ, इंटायर रो पे करनी है, ओके करनी है, तो इंटायर रो डिलीट हो गया, सही है। फिर उसके बाद हमारे पास मैं क्लिक करता हूँ, सही है, क्लिक करता हूँ और डिलीट पे जाके सेल के पे जाके इंटायर कॉलम करता हूँ, तो कॉलम डिलीट हो गया, इंटायर कॉलम, सही है, सही है। फिर उसके बाद हम आते हैं इसके डिलीट ऑप्शन पे, डिलीट शीट रोज, शीट रोज डिलीट करनी है, तो रो डिलीट हो गई शीट की, जहाँ पे हमारे पास क्लिक होगा वहाँ पे हमारे पास वो शीट रो डिलीट हो गई। कॉलम डिलीट करने है, कॉलम डिलीट हो जाएंगे, जहाँ पे हमारे पास क्लिक होगा वहाँ पे डिलीट हो, शीट डिलीट करनी है तो पूरा शीट यस परमानेंटली ये डिलीट हो जाएगा, सही है। तो ये इस तरह हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर आके तो हमारे पास रो हाइट, हमने रो हाइट किस तरह देनी है, यहाँ पर देखें 15, ये जो रो हाइट है जहाँ पे हमने ये रो हाइट किस तरह देनी है, तो यहाँ पे 15 में 17 करता हूँ, कि ये देखें ये 17 हो गया। सपोज़ मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, रो हाइट दे रहता हूँ, अब यहाँ पे फॉर्मेट पे आके रो हाइट तो 20 दे देता हूँ, सही, ओके कर लूँ, याद जो मैंने सेलेक्ट कर दिया वो रो हाइट इतना हो गया, सही। यहाँ पे देखिए यहाँ तक ये जो रो है, नहीं ये दो रो है और ये हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास फॉर्मेट में आके ऑटो फिट, दोबारा इसको लेके आता हूँ, ऑटो फिट करना, सही है, दोबारा रो हाइट ऑटो फिट करना, दोबारा हमारे पास क्या होंगे, ऑटो फिट हो जाएंगे, सही है। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड पे कॉलम, सपोज यहाँ पे ये कॉलम है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, फॉर्मेट पर जाके कलम ऑटो फिट, ये तो पहले से भी फिट हुए लेकिन कलम विट की तरफ जाते हैं कि हमने क्या करना है। अब यहाँ पे देखिए 18 हमारे पास है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, 8 या 10 तक कर लेते हैं, सही है। तो हमारे पास ये है, ये हो गया कलम फिट, जितने भी आपने बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं, कलम फिट आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर फॉर्मेट में हमारे पास
कॉलम ऑटो फिट विद, दोबारा आप कॉलम के ऑटोमेटिक वापस विद इसको सेट कर सकते हैं, सही है। हाँ, अगर बाय डिफ़ॉल्ट वो जितने तक पहले था उसको लेके आनी है, तो यहाँ पहले हमने 15 किया था या 20 किया था, वापस वो इस तरफ लेके आएगा, दोबारा वो ऑटो फिट आ जाएगा, सही फॉर्मेट। फिर उसके बाद हाइट एंड रो कॉलम, आपने हाइट करने हैं रो कॉलम को, सही है। तो आप यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ और फॉर्मेट पे जाके हाइट रो, हाइट रो, सही हाइट हो गई। फिर उसके बाद दोबारा मैं हाइट कॉलम या अनहाइट रो एंड कॉलम, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ ये रो को मैंने सेलेक्ट कर दिया, फॉर्मेट पे जाके इसको हाइट करता हूँ, ये हाइट रो, दोबारा फॉर्मेट पे जाके अनहाइट करता हूँ, अनहाइट रो दोबारा, सही। इस तरह हम इसको हाइट करते हैं और वापस लेके आ सकते हैं, सही। तो ये हमारे पास हाइट शीट करनी है, तो एक शीट है वाइट कर दिया तो बात ख़त्म। सपोज़ मैं यहाँ पे एक दूसरा शीट लेके आया हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, वो इसको मैं हाइट करता हूँ, हाइट शीट हाइट हो गया, सही। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, फॉर्मेट पे जाके हाइट हाइट शीट अन हाइट शीट दोबारा, ओके हाइट बिल्कुल मैं क्या ओके दोबारा, सही है। तो इस तरह ये फॉर्मेट हम लेके आ सकते हैं। रीनेम शीट, शीट को आप नेम दे सकते हैं, यहाँ पे शीट नेम सपोज मैंने कर लिख दिया तो ये हमारे पास नेम आ गया, सही है। तो ये शीट आप नेम दे सकते हैं, सही। फिर उसके बाद रीनेम भी कर सकते हैं, सही है, मूव भी कर सकते हैं, कलर टैब भी दे सकते हैं, कौन सा कलर आपने देना है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे कलर दे सकते हैं टैब, सही, शीट्स वगैरह को कलर टैब भी कर सकते हैं, सही है। शीट भी लॉक भी कर सकते हैं, सेल भी लॉक कर सकते हैं, शीट भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से पासवर्ड दे, सही है, सही है। मैंने पासवर्ड दे दिया, सही है, ओके ओके, सही है। तो आप शीट को भी लॉक कर सकते हैं, सही है। बुक वन हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे देखें ये शीट को भी लॉक कर सकते हैं, सही है। तो इस तरह ये लॉकिंग भी इसकी कर सकते हैं आप, सही है। ये हमारे पास, इंशाल्लाह फिर और कल डिस्कस करेंगे, थैंक यू।